तो पहले हम प्राइम नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम देखेंगे और फिर फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो जब प्राइम नंबर के प्रोग्राम को हम डिजाइन करें तो पहले हमें इस बात को देखना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। और वैसे सभी को लगभग लोग पता है, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हमें जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेके चल रहे हैं कि 11 को पता करना है कि प्राइम है कि नहीं। तो पहले तो हमें इनपुट करना पड़ेगा एक कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने ले लिया आई इक्वल इनपुट बॉक्स कमांड के अंतर्गत आप ये दे देंगे, यानी आई की वैल्यू हमने इनपुट करवा दिया 11, ठीक है। फिर हमने लूप लगाया यहाँ पर फॉर, एक वेरिएबल और ले लेंगे यहाँ पर, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करना आपको 3 वेरिएबल की आवश्यकता है इसमें लगेगी, आई कॉमा जे कॉमा के। जरूरी नहीं आई जे के ले, ए बी सी डी यानी कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं एज ए इंटीजर, ठीक है। अब हमने आई की वैल्यू तो रन टाइम में इनपुट करवा दिया, क्या कहेंगे आई इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, जो भी नंबर का आपको प्राइम निकालना है। हमने कहा कि 11 को पता करना है या किसी भी संख्या को पता करना है, तो वह संख्या जो या तो खुद से डिवाइड होती हो, है ना, 11 से, या फिर 1 से डिवाइड होती हो, वो संख्या हमारी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और वो नंबर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 11 ही हो, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, खुद 10 हो सकता है। तो 10 को पहले चेक तो करेंगे ना कि वो है कि नहीं है। तो हमने कहा कि चेक करने का मेथड क्या, बोले एक को तो छोड़ दो, एक से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, बारी कहाँ से आती है, दो से। तो दो से डिवाइड करें, तो फर्स्ट ऑफ पे दो से डिवाइड करके देखेगा 11 को तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर 3 से, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और कुछ 10 हो गया, 11 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। यानी कि 2 से तो उस नंबर, यानी 11 से कम नंबर, एक कम, यानी वो नंबर कोई भी दे, वहां तक में किसी से भी डिवाइड करके देखे, तो ये लूप चलाने के लिए, 2 से तो कहाँ तक चलाना है, उस नंबर से एक नंबर कम, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके लिए हम लूप लगाते हैं, जैसे हमने वेरिएबल लिया जे, तो फॉर जे इक्वल हमने कहा 2 से स्टार्ट हो, 2 कहाँ तक जाए, तो बोले कि इस आई से एक कम। तो आई की वैल्यू यदि आपने 13 दिया तो वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 12 तक। यदि आपने 17 दिया तो कहाँ तक जाएगा, 16, एक कम वैल्यू जाएगा, और वहां से वहां तक की वैल्यू को वो डिवाइड करके देखेगा, ठीक है। इसमें कोई भी डिवाइड, जैसे आपने दिया 21, अब 21 को डिवाइड करके देखेगा 2 से लेकर के तो 20 तक के। अब इस बात, ये बात अलग है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन 3 से ये डिवाइड हो जाए, बात खत्म हो। ऐसे कैसे मामले में 9 में हो, तो इनमें से किसी भी संख्या से यदि डिवाइड हो जाए तो वो नंबर अभाज्य नहीं हो, भाज्य की भी भाज्य संख्या वो भागित हो गई है, ठीक है, यानी प्राइम नंबर नहीं हो। चलिए, तो हमने इस कंसेप्ट के लिए यहां पर दिया जे इक्वल 2 से स्टार्ट, 2 जो भी आई की वैल्यू उससे एक कम तक जाए, जब वहां तक जाए तो करे क्या। एक और वेरिएबल हमने लिया है के, इस के में के इक्वल हमने दिया, क्या करे, बोले जो आई है उसको डिवाइड करे और उसकी रिमाइंड वैल्यू निकाले। रिमाइंड वैल्यू के लिए मोड का फॉर्मूला है, एक्सेल में यह फॉर्मूला काम करता है, इक्वल मोड और जो भी वेरिएबल है, जैसे यह वैल्यू है 25.2 इस प्रकार से, तो यहाँ पर शेषफल दिखा देगा ये 1, ठीक है, यानी ये शेषफल का काम करेगा, भागफल नहीं। तो हमें शेषफल निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार जावा वगैरह में, शायद उसमें तुम्हें श्योर नहीं हो, लेकिन हाँ फॉक्स प्रो में हम लगाते थे मोड कोष्टक, आई में डिवाइड करना, आई को कॉमा किससे करना है, जे से, तो ऐसे कॉमा लगा करके देते थे। इसमें लगेगा के इक्वल आई मोड और फिर बाद में सेकंड वेरिएबल, तो आई को डिवाइड करना है, करना किससे है, जे से। तो इसमें मेथड ये है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग में ये मेथड चेंज हो सकती है, वो उस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे काम करता है। तो हमने यहाँ पर आई को डिवाइड किया किससे, जे से, किसके अंतर्गत किया, लूप के अंतर्गत किया। तो लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार वैल्यू, अब देखो फर्स्ट ऑफ आई की वैल्यू तो वही है, आई की वैल्यू आपने दिया जैसे 11, तो आई की वैल्यू तो 11 ही है, लेकिन जे की वैल्यू पहली बार में क्या है, जे की वैल्यू पहली बार में 2 है,
ठीक है, तो ये डिवाइड करके देखेगा आई को टू से, क्योंकि जे की वैल्यू टू है। फिर लूप चला सेकंड टाइम, टू से स्टार्ट होगा, सेकंड वैल्यू में क्या मिलेगी टू के बाद थ्री, क्योंकि हमने क्या करा टू से स्टार्ट हो कहां तक चले उससे एक कम, ठीक है। तो यहां पर अगले बार में आएगा थ्री, थ्री से डिवाइड करके देखेगा लूप तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि उसका एंडिंग मान उसको मिल ना जाए, यानी आई से एक कम। तो आई की वैल्यू इलेवन, तो उससे एक कम कहां तक जाएगा टेन तक, तब तक ये बार बार डिवाइड करके देखेगा। आगे हमने अब देखो फोर के अंदर, यानी यहां पर है लूपिंग स्टेटमेंट, और लूपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत हमें यूज करना है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमने क्या लगाया लूपिंग स्टेटमेंट, और उसके अंतर्गत क्या लगा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो एक दूसरे के अंदर लगा सकते, ऐसा नहीं है कई मामलों में सोच के चलते कि अरे फोर लगा दी इफ थोड़ी आएगा, बिल्कुल आ सकता है, जरूरत के हिसाब से हम सब कुछ कॉल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है कोई प्रोग्रामिंग मेथड। तो हमें जरूरत है कि यहां पर इफ आए और ये देखे कि के की वैल्यू जीरो आई क्या, यदि के इक्वल क्या प्राप्त हो जीरो, जैसे कि आपने दिया टेन, तो टेन को ये डिवाइड करेगा सबसे फर्स्ट ऑफ टू से, तो क्या मिलेगा यहां पर जीरो, बात खत्म हो गई, पहले नंबर पे ही बात खत्म हो गई। लेकिन यदि यहाँ पर नाइन होता तो पहले मामले में तो क्या बोलेगा वो कि नहीं यहाँ पर हमें जीरो नहीं मिला। फिर सेकंड क्रो को देखेगा जीरो मिला, तो सेकंड में क्या होगा सेकंड नंबर उसका थ्री होगा, तो थ्री से नाइन को डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, बात खत्म हो जाती, जहां पर जीरो आया वहीं पर प्रोग्राम रोक देगा। तो हमने कहा कि यदि के इक्वल जीरो हो तो कंसोल या कोई मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं, कंसोल में दे सकते हैं, एमएसजी बॉक्स यूज कर लेते हैं, मैसेज बॉक्स एमएसजी बॉक्स क्या है, धिस नंबर नॉट ए प्राइम, क्योंकि जीरो आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है, वो तो क्या हो गया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोलेंगे, तो बोले नॉट ए प्राइम, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो प्राप्त हुआ। फिर क्या किया, फिर इस कंडीशन में यानी हमें सिर्फ क्या निकालना है, ये निकालना है कि वो नॉट ए प्राइम है क्या, नॉट प्राइम तो बचा वो क्या है प्राइम, तो हम यहां पर बस एक कंडीशन निकाल करके इसको रोक देना आप, और इसको क्लोज करने के लिए रोकने के लिए आप कर देंगे एंड, और इसके बाद नेक्स्ट, सॉरी एंड इफ तो लग ही जाएगा खुद ही, तो अगली कंडीशन एल्स नहीं लगाइए, ठीक है, और प्रोग्राम को यहीं पर रोक देना। फिर आगे लूप के बाहर जो बचे उसको कह देना प्राइम नंबर। अब हम इसका प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, ये था हमारी लॉजिक, ठीक है, प्रोग्राम ही था वैसे तो किसानों पर समझने के हिसाब से। अब हम इसको बना लेते हैं डिम, एबीसी से बना ले कि आई जे के चलेगा, आई जे के जे के एस आर, आई जे के एस ए इंटीजर, लेकिन आपको मेथड पूरा आना चाहिए, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आपको वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है, कई मामले में होता है कि अरे सर उससे ही बना सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप रटने में काम करते हो, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड ले लो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो लॉजिक आना है कि एक वेरिएबल ये यहाँ चला तो दूसरा वेरिएबल यहाँ चला, किसके अंतर्गत क्या कैलकुलेशन हुआ, वो कंसेप्ट यदि दिया तो बिल्कुल प्रोग्राम बन जाएगा। तो हमने कहा आई की वैल्यू, तो आई इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, ठीक है, फिर क्या करे तो हमने कहा लूप चले फोर, जे को दौड़ा दे, जे इक्वल टू टू कहां तक जाए आई माइनस वन तक जाए, जब वहां जाए तो करे क्या ही? बोले उस दौरान में चक्की जब चले इसकी तो क्या करे के इक्वल हमने कहा आई को डिवाइड करके देखे, आई मोर किससे डिवाइड करके देखे जे से, अब जे से जब डिवाइड करके देखे और पता करे उसमें यदि ने इफ क्या आए के इक्वल जीरो आए तो क्या बता दे मैसेज बॉक्स, मैसेज एमएसजी बॉक्स, मैसेज बॉक्स है ना एमएसजी बॉक्स, एमएसजी बॉक्स में क्या आ जाए दिस नंबर इज नॉट ए प्राइम, ठीक है, इस प्रकार का। फिर क्या करें बोले एल्स नहीं तो इस प्रोग्राम को यहीं पर रोक दे एल्स करके। अब देखो यदि एल्स करके आपने क्या करा, आपने दे दिया कि नहीं तो एम एस जी बॉक्स प्राइम नंबर, ये भी दे सकते हैं, पर क्या होगा
प्राइम नंबर हमने ये दे दिया, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, पूछ रहा है एंटर ए नंबर, हमने कहा 10 को चेक करना, तो बोले टाइप नहीं हो सकता, दिस नंबर नॉट ए प्राइम, ठीक है, बिल्कुल नहीं प्राइम, ओके करेंगे। तो एक बार तो उसने नॉट ए प्राइम बता दिया, दूसरी बार प्राइम नंबर बता दिया, तो ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि पहली बार उसने जब दो से डिवाइड करके देखा 10 को तो 0 मिल गया, लेकिन अगली बार लूप फिर चल रहा है, लूप तो कब तक चलेगा, 9 तक चलेगा, 10-1 किया हमने मतलब 9 तक चलेगा। तो दूसरी बार में उसको वैल्यू क्या मिली, जे की वैल्यू है 3, 3 से 10 को डिवाइड करके देखा तो 0 मिलेगा क्या, तो उसने बता दिया नॉट ये तो प्राइम नंबर है, बोले 0 नहीं आ रहा, जबकि हमने कहा कि यदि 0 आ गया तो बस बात खत्म कर जाएगा, फिर अगली कंडीशन नहीं बताया, जबकि else दिया तो उसने अगली कंडीशन चेक की, ये देखो एक बार प्राइम एक बार नॉट प्राइम एक बार प्राइम एक बार नॉट प्राइम एक बार प्राइम प्राइम, जब जब डिवाइड नहीं हुआ तब तक प्राइम बता दिया, जब जब डिवाइड हुआ तो गलत है। यदि कोई संख्या किसी भी एक संख्या से डिवाइड हो गई मतलब कि वो नॉट ए प्राइम में आ गई, किसी भी संख्या से हो गई ये बात कही गई, जबकि ये तो कभी नॉट प्राइम यानी इसका स्टेटस चेंज हो रहा है, जबकि प्राइम नंबर में स्टेटस चेंज नहीं होता। तो हमने कहा कि बस एक बात चेक कर लेना, तू क्या करना, दिस नंबर नॉट ए प्राइम, ये बात यदि बात चेक कर लिया तो बाकी का काम हम करेंगे, क्या करेंगे, तो हम नॉट ए प्राइम इतना लगा दीजिए, हमने कहा एल्स नहीं तो क्या करें, बोले नहीं तो फिर बस यहीं पे रोक दे, यदि ये बात तेरे को पता हो जाए तो फिर आगे तक मत जाना, कहते हैं ना कई बार कि तू जाजे उन्होंने निकले जा रही हो तो बुआजी के देख तो जाजे, बुआजी मिल जाए तो बोले फिर आ जाए तो आगे मत जाए, नहीं तो बोले कहीं करूंगा, बोले गाँव तो बोले गाँव मत जाए, ये वाला मामला है अंकित, घटना तो नहीं घटी कभी, बुआ जी के लेबर गए बीच में फूफा जी मिल गए बोले आज तो नहीं पहुंचाएंगे, वो इसमें हो सकता है ऐसा, है ना, तो जब हमें बुआ जी मिल जाएगी तो बुआ जी वाला मामला काम नहीं करना, ठीक है। यानी पहली स्थिति हमने देख लिया दिस नंबर इज नॉट ए प्राइम, तो बोले रुक जाओ इसको कर देना आप एंड, ठीक है। अब हमें लूप बॉडी के बाहर प्रिंट करवाना है, ऐसी स्थिति में MSG box prime number हमने दिया 11, एंड कर दिया उसने 11 को यहीं पर, को बता दिया दिस नंबर नॉट ए प्राइम, एक बार इसने प्राइम भी बता दिया, नॉट ए प्राइम हो गई बात खत्म। अब हम बोल रहे हैं 11 को देखते हैं, प्राइम नंबर ये सबसे डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर। यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, फिर से इफ लगा करके एक बार इस कंडीशन को दे सकते हैं 1, लेकिन नहीं, हर बार पूछ रहा है, बोल रहा है प्राइम नंबर। देख रहे हैं वही चीज की हम प्रोग्राम लूपिंग को भी रोकना है हमें, कौन रुक रहा है,
पर हमें दोनों तरीके से सब कसौटियों पे देखना पड़ेगा। हमने देखा 10 नॉट ए प्राइम, प्राइम नंबर बता दिया लेकिन यहाँ पर, तो हम इसको एक बार तो इफ को हम यहाँ पे क्लोज कर दें, यहाँ पर लगा दें हम एंड, अगला क्या करें बोले प्रोग्राम रोक दें। हमने दिया 10 नॉट ए प्राइम, प्रोग्राम रुक गया। फिर हम देखते हैं 11 प्राइम नंबर, प्रोग्राम रुक गया। हम देखते हैं 9, प्राइम नंबर 9 प्राइम नहीं है जबकि, क्योंकि उसने एक बार ही चेक किया और प्रोग्राम को रोक दिया है। एंडिंग की अपेक्षा कैंसिल या इसका कोई ऐसा फंक्शन हमें देखना पड़ेगा जो इस प्रोग्राम को रोकता हो। फॉक्स प्रो में इसके लिए कैंसिल कीवर्ड यूज होता था, यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं लेकिन एंड उस पूरे प्रोग्राम को रोक रहा है, एग्जिट भी बाहर कर देगा, स्टॉप भी नहीं लेगा। बस इसमें ये मैसेज तब तक बताएगा हर बार तक, तो इसका कीवर्ड कोई देखेंगे अभी हम, है ना। पर ये प्रोग्राम ऐसे सही है, ऐसे पूरा प्राइम नंबर का प्रोग्राम सही है। बस ये है कि यहाँ पर लूप बार बार इसको चेक करेगा, और यदि यहाँ पर हम लगा देते हैं और उदाहरण के तौर पर 9 दिया हमने, तो उस मामले में 0 आने पर वो कभी प्राइम और कभी नॉट प्राइम बताएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक फंक्शन चाहिए इस प्रोग्राम को उसी समय रोक सके, यदि ये मिल गया। नहीं, नेक्स्ट तो हमारे 4 का है, 4 का एंडिंग नेक्स्ट है, तो ये लूप तब तक चलेगा, लूप बॉडी से बाहर नहीं करेगा। यदि हमने यहाँ एंड लगा दिया तो फिर ये 4 को रोक देगा एक बार डिवाइड करके, इसलिए हम यहाँ एंड लगाने से रहे, यहाँ पर हम इफ को रोक रहे हैं, इससे बाहर लगा देंगे तो भी 4 रुक जाएगा। एंड कमांड कर रहा है, इनको रोक रहा है यानी इससे बाहर कर रहा है, हमें उसको कैंसिल करना है, लेकिन शर्त तो यह है कि जब हमें प्राइम नंबर मिल जाए बात खत्म हो जाए। लेकिन 9 वाले मामले में फर्स्ट स्टॉप वो प्राइम बता देगा उसको, और सेकंड जबकि वो प्राइम नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड।
तो एंड ऑफ नहीं लगा सकते क्योंकि हमें सेकंड नंबर से उसको डिवाइड करना है, तो उसका एक कीवर्ड देखना पड़ेगा, बाकी प्रोग्राम हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या कहता है, फिबोनाची हम इस पे बना लेते हैं, फिबोनाची के लिए भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तीन वेरिएबल इसमें है ए आई जे के ही है, आप एबीसीडी ले लें चाहें तो, हम लेंगे डिम ए कॉमा बी कॉमा सी एज ए इंटीजर। ठीक है, अब फिबोनाची सीरीज क्या कहता है, जैसे हमें सेवन का फिबोनाची निकालना है, ठीक है, तो स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से, फिर वन इसमें लिया जाता है, वन और जीरो, यदि हम जीरो और वन की बात करें तो ये प्लस होता है, जीरो प्लस वन बराबर वन, फिर वन यहां आ जाएगा, ये वन यहां आ जाएगा, वन प्लस वन बराबर टू, फिर टू यहां आएगा, वन यहां आएगा, वन प्लस टू बराबर थ्री, फिर थ्री यहां आएगा, टू यहां आएगा, फाइव फाइव यहां आएगा, यानी वैल्यू चेंज हो रही, स्वैप हो रहा। ठीक है, तो हमने माना यहां पर तीन वेरिएबल ए बी और सी, ये तो मामला हो गया। अब हमें दिए गए संख्या तक की बात की जा रही है, मतलब कि एक नंबर देना भी है, तो देने वाले नंबर के लिए रनिंग मोड में वैल्यू देने के लिए हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, माना कि एन एज ए इंटीजर, और एन के अंतर्गत हम मान पुट करते हैं, एन इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर। ठीक है, ये हमने दिया। अब हम यहां पर लूप चलाएंगे, कहां तक, इस एन तक, सेवन का फिबोनाची निकालना है, तो हमने लूप चलाया। अब देखिए लूप भी चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, तो आई ओ ले लेते हैं, आई कोमा एन, एन के अंदर वैल्यू दिया और आई के लिए के अंदर लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल कहां से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो, टू कहां तक जाए, तो हमने बोला एन तक जाए, एन की जो भी वैल्यू, ठीक है, जब वहां तक जाए तो करे क्या, तो हमने कहा हमारे इस प्रोग्राम में देखा कि सी के अंतर्गत ए और बी का प्लस हो रहा है, तो हमने दिया सी इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, अब बोले सी इक्वल ए प्लस बी, तो ए और बी की वैल्यू क्या है, तो हमने यहां पर लिया ए और यहां पर लिया बी, बराबर दिया सी, तो ए की वैल्यू माना है कि हम प्रारंभिक जीरो जीरो रखते हैं, बी की वैल्यू रखते हैं वन, इक्वल सी क्या हो जाएगा, वन जीरो प्लस वन, यानी हमें दोनों की प्रारंभिक वैल्यू सेट करनी है, तो ए इक्वल जीरो और बी इक्वल वन, तो सी इक्वल ए प्लस बी हम कर दे पाएंगे, और सी की वैल्यू को हम प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट राइट लाइन, किसकी वैल्यू आ जाए, सी की, रन करके देखते हैं हमने दिया सेवन, तो ये सेवन टाइम चला, देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और सेवन टाइम ही क्या आया, वन, क्योंकि जीरो और वन वन, यानी यहां पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमेशा जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन ही जोड़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है, जीरो वन नहीं, अब पहली बार में जीरो वन, लेकिन अब हमें बी की वैल्यू को पहुंचाना है ए में और ए की वैल्यू को पहुंचाना बी में। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जोड़ने के बाद क्या करें, तो बोले बी इक्वल तो सी, या पहले पहले ए को ले लें, ए इक्वल तो बी, तो ए में बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या है, वन, अब बी खाली हो गया, खाली हुआ ये वैसे तो खाली नहीं होता, पर बी की जो वैल्यू थी वो उसने किसको दे दी, पहले ए को, अब बी कह रहा है कि मेरे पास क्या, तो हमने बी इक्वल कहा है कि तू सी की वैल्यू ले ले। ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, जीरो प्लस वन किया पहली बार में, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन, हमने कहा कि ए के पास बी की वैल्यू आ जाए, तो हमने कहा ए इक्वल बी बराबर, मतलब कि
वन ये वैल्यू यहां आ जाएगी। और बोले तू क्या करना, बोले तू एक काम करना सी के पास जो वो ले लेना, तो इसको मिला सी के पास वन। अब अगली बार जब लूप चलेगा तो इसको जोड़ेगा दोनों को, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई वन, बी की वैल्यू क्या हो गई वन, तो वन प्लस वन, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, ये सी की वैल्यू। फिर हमने आगे बोला कि फिर वापस यही काम करना कि जो थाकन है वो एक ही दे दी, एक कन को थारे लगन ले ली। क्या बोला कि ये मोहित और ये नरेन, बात समझ में आ रही है, तो प्रोग्राम करके देखेंगे। आज नरेन सीरियस हो गया भैया, नाम आ गया मेरा आज सीरियस ही है वैसे भी। चलिए तो अब हम यहां पर हमने वैल्यू को सेव करवा दिया, अब रन करके देखें। हमने दिया सेवन, वन टू थ्री फोर आया क्या, लेकिन सेवन नंबर तक जाना चाहिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन तो क्या, लेकिन सेवन का फिबोनाची 21 नहीं होता, सेवन का फिबोनाची होता है 13, और एक इसमें जीरो जुड़ता है, तो जीरो आया क्या इसमें, जीरो नहीं आया। तो जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जीरो को पहले प्रिंट करवा दो लूप के पहले ही, कंसोल डॉट राइट किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू पहले तो जीरो ही मिलेगी, ठीक है। और क्या करें, ये लूप कहां तक जाए, एक मान कम। अब रन करें इसको, दिया हमने सेवन, जीरो वन टू थ्री फाइव एट थर्टी, अब किसी भी नंबर का आपने आपने दिया 25 का, ये 25 का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दी गई संख्या का फिबोनाची सीरीज आप प्रिंट कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोग्राम आपको नोट करना है, प्राइम नंबर और फिबोनाची नंबर, और ये प्रोग्राम लगभग लगभग 8-8 नंबर के पूछे जाते हैं, बस इतना सा ही प्रोग्राम होता है। प्रोग्रामिंग जब पेपर होता है, एग्जाम होती है, तो उसमें कॉपी खाली रह जाती है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लॉजिक छोटे होते हैं, पर लॉजिक के आधार पर होते हैं, या तो पूरे नंबर आएंगे या जीरो नंबर आएंगे इसमें।